हेलो माय डियर लर्नर्स, आप लोगों के लिए एक नए चैप्टर को लेकर हाजिर हो चुका हूँ। और यह जो चैप्टर है आपका क्लास 11 इंग्लिश का एक और एक प्रोस के चैप्टर को लेकर आया हूँ, जिसका नेम है अमरनाथ। इस चैप्टर को आप पढ़े होंगे, इसमें बताया गया है कि स्वामी जी द्वारा और उनके साथ जो निवेदिता है उनके अमरनाथ यात्रा को बताया गया है कि वो अमरनाथ की यात्रा को किस प्रकार करते हैं और अमरनाथ की गुफा में पहुंचकर जहां पे हमारा शिव का शिवलिंग है उसको देखकर उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है, वो किस तरीके से महसूस करते हैं और यात्रा करने के दौरान वो क्या क्या फेस करते हैं, तीर्थ यात्रा करने वाले जो तीर्थ यात्री थे उनसे उनका कैसे बात विवाद होता है, उन सभी चीज़ों को इस चैप्टर में लिखा गया है। ये तो आपको बहुत सारे चैनल पे इसको बता दिया गया है, पूरे डिस्कस करके बताया गया है, हिंदी में भी बताया गया है, लेकिन जो सबसे ज़रूरी बात है कि MCQ किस तरीके से आ सकते हैं ये बताया नहीं गया है। देखिए, रट्टू तोता की तरह कोई भी किताब लेकर रट के बता सकता है कि उसका हिंदी मतलब क्या है, लेकिन जो आपको मेन जरूरी है कि किस तरह के प्रश्न आएंगे वो आपको करना ज़रूरी है। तो ये MCQ मैं लेकर आया हूँ, लगभग 50+ MCQ इसमें मैं डिस्कस करूँगा अमरनाथ चैप्टर से, जिसके जो राइटर है निवेदिता है, तो सिस्टर निवेदिता। तो आप इसे ध्यान से देखिएगा, इसे लर्न करके रखिएगा। और साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ, यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वहाँ से जुड़कर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पर आपको PDF ज़रूर प्रोवाइड किया जाएगा। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि किस डिस्ट्रिक्ट से मेरे वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए, हमारा जो पहला MCQ का क्वेश्चन है वो देख लेते हैं कि हु अनाउंस्ड द डिसीजन टू गो टू अमरनाथ विथ द पिलग्रिम्स, यानी ये किसका अनाउंसमेंट था कि हमें अमरनाथ जाना है। ठीक है, तो ये जो अनाउंसमेंट था द स्वामी जी का ही अनाउंसमेंट था। आगे, हुएर डिड द स्वामी अनाउंस हिज डिसीजन टू गो टू अमरनाथ, यानी स्वामी जी कहाँ थे तो ये डिसीजन के अनाउंस किए थे कि हमें अमरनाथ जाना है। तो ये थे इन द मुगल गार्डन्स एट अचबल, ये अचबल में थे, एक जगह का नाम है। व्हाट डिड द स्वामी प्रोमिस टू टेक विथ हिम ऑन द पिलग्रिमेज, यानी स्वामी जी ने किससे प्रॉमिस किया था कि वो उसे तीर्थ यात्रा में ले जाएंगे अपने साथ, तो हिज डॉटर को। ओके, आगे, हाउ डिड द पिलग्रिम्स ऑर्गेनाइज देमसेल्फ ड्यूरिंग द जर्नी, यानी जो पिलग्रिम्स थे यानी तीर्थ यात्री जो थे वो यात्रा के दौरान वो अपने आप को कैसे ऑर्गेनाइज करके रखे थे। तो ये वाला देखिए, दे ऑर्गेनाइज्ड इंस्टिंग टिवली एंड ऑर्डरली, ये बहुत एक अच्छे तरीके से ऑर्डरली वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करके रखे थे। विच आइटम्स वेयर अवेलेबल फॉर परचेस एट द कैंप साइट्स, यानी कैंप साइट्स में जहाँ पे कैंप लगे थे तो उसमें किस तरह के आइटम परचेस यानी आपको खरीदे गए थे। ठीक है, तो देखिए किस तरह के आइटम थे, तो ड्राई फ्रूट्स था यानी फल थे, मिल्क था, दाल था एंड राइस था। वेयर वाज द स्वामी टेंट यूजुअली प्लेस्ड, यानी स्वामी जी का टेंट साधारणतः कहाँ लगा हुआ था, तो ये लगा था नियर द तहसीलदार्स टेंट, मैंने तहसीलदार टेंट के नज़दीकी था उनका टेंट। व्हाट वाज द स्वामीज इन्फ्लुएंस्ड ऑन द मॉन्क्स ड्यूरिंग द पिलग्रिमेज, यानी स्वामी जी क्यों इन्फ्लुएंस्ड हुए थे, प्रभावित हुए थे तीर्थ यात्रा के दौरान मॉन्क से यानी आपका साधुओं से। हिज इन्फ्लुएंस्ड वाज मैग्नेटिक। ठीक है, व्हाट टॉपिक्स डिड द मॉन्क्स मोस्टली डिस्कस्ड विथ द स्वामी, यानी जो मॉन्क्स थे जो साधु थे महात्मा थे वो स्वामी जी से किस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा डिस्कस किए थे, तो शिवा के बारे में, यानी लॉर्ड शिवा, शिव। अगर मैं शिव के बारे में बोलूँ ना हिंदू धर्म में, तो मेरे को लगता है कि सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स अगर किसी के हैं तो वो शिव के हैं, महाकाल के हैं, शिव शंकर भोलेनाथ की है। अगर मेरे को लगता है कि हिंदू देवी देवताओं में अगर कंपटीशन हो जाए कि कौन सबसे ज़्यादा वोट पाता है अपने फॉलोअर्स को लेकर, तो शिव ना, शिव को 90% वोट मिलेगा, बाकी 10 में बाकी सबको ही है। नेक्स्ट, हाउ डिड द स्वामी
रिस्पॉन्ड टू द मॉन्क्स रिक्वेस्ट टू फोकस सेलेवली ऑन शिवा, यानी किस तरह उन्होंने रिस्पॉन्स को दिया था, तो ही ट्राई टू ड्रॉ देयर अटेंशन टू द वर्ल्ड अराउंड देम। ठीक है, वो कोशिश किए थे कि पूरे वर्ल्ड को बताने का। व्हाई वेयर सम मॉन्क्स सरप्राइज्ड बाई द स्वामीज व्यूज, यानी कुछ मॉन्क्स जो थे वो स्वामी जी के व्यूज से, विचारों से क्यों सरप्राइज्ड थे, बिकॉज ही शोड सिंपैथी फॉर मोहम्मेडनिज्म, क्योंकि स्वामी जी ना थोड़ा सा मुस्लिम धर्म के प्रति सिंपैथी को दिखाया था। व्हाट वॉज द तहसीलदार रिलीजन, यानी तहसीलदार जो था, जो तहसीलदार होता है वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, उसका रिलीजन क्या था यानी उसका धर्म क्या था, तो एक मुसलमान था, यानी मुस्लिम था वो। व्हिच सिग्निफिकेंट डे वेयर ऑब्जर्व्ड एट पहलगम, यानी पहलगम में कौन सा दिन का विशेष रूप से महत्वपूर्ण था, तो ये था एकादशी। ठीक है, ये हमारे हिंदू धर्म में एक पर्व होता है एकादशी। वेयर डिड द पिलग्रिमेज रीच द स्नो लाइन, यानी जो पिलग्रिमेज थे, जो तीर्थ यात्रा था, वो कब स्नो लाइन पे पहुंचा है, तो नियर ए फ्रोजन रिवर, यानी एक रिवर है जो पूरी तरह से बर्फ बन गई है। व्हाट काइंड ऑफ फायर वाज यूज्ड एट हायर एटीट्यूड्स ड्यूरिंग द पिलग्रिमेज, तो ये क्या हो गया, जुपिटर। नेक्स्ट, व्हाट वाज द फाइनल लोकेशन ऑफ द पिलग्रिमेज, यानी पिलग्रिमेज का एकदम अंतिम लोकेशन क्या था, तो द केव ऑफ अमरनाथ, यानी अमरनाथ की गुफा, केव माने गुफा होता है। व्हाट डिड द स्वामी सी इन द केव ऑफ अमरनाथ, तो अमरनाथ की गुफा में स्वामी जी ने क्या देखा था, तो द ग्रेट आइस लिंगम, यानी केव में उन्होंने देखा था कि एक बर्फ का बहुत बड़ा शिवलिंग था। व्हाट गिफ्ट डिड द स्वामी बिलीव ही रिसीव्ड फ्रॉम शिवा, ठीक है, तो ये देखिए, इमोर्टलिटी अनटिल ही विल्ड टू डाई। हाउ डिड द स्वामी रीच आफ्टर एंटरिंग द केव ऑफ अमरनाथ, तो ही प्रोस्ट्रैक्टेड एंड देन साइलेंटली विथड्रू। व्हाट वॉज द एटमोस्फियर आउटसाइड द केव ऑफ अमरनाथ, यानी अमरनाथ गुफा के बाहर का एटमोस्फियर कैसा था, तो सिंपल एंड क्लोज टू नेचर, मैंने बहुत ही नॉर्मल था और क्लोज टू नेचर, नेचर के नज़दीक था, प्रकृति के नज़दीक था। ऑन विच ओकेजन डिड द पिलग्रिमेज कल्मिनेट, तो ये कौन से ओकेजन में, तो ये रक्षाबंधन में। ओके, व्हाट डिड द थ्रीड्स वेयर टाइड ऑन द पिलग्रिम्स रिस्ट ऑन रक्षाबंधन, यानी तीर्थयात्रियों के रिस्ट यानी कलाइयों में कौन से धागे को बांध दिया गया था, यानी उनके कलर के बारे में, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो रेड एंड येलो कलर के थे वो। व्हाट डिड द स्वामी फील अबाउट द केव ऑफ अमरनाथ, यानी अमरनाथ के गुफा के बारे में स्वामी जी क्या फील कर रहे थे, तो इट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लेस ही हैड बीन इवर सीन टू, यहाँ पे बीन लिख दिया, सीन टू होगा, मैंने वो ये महसूस कर रहे थे कि अभी तक वे सबसे सुंदर, जितनी भी जगह देखे थे उनमें से सबसे सुंदर जगह ये था। व्हाट वॉज द स्वामीज स्पेकुलेशन अबाउट द डिस्कवरी ऑफ द केव, क्या था उनका डिस्कवरी ऑफ केव के बारे में सोच, इट वॉज फाउंड बाई शेफर्ड हु लॉस्ट देयर फॉल्क्स। हाउ डिड द स्वामी डिस्क्राइब द प्योरिटी ऑफ द आइस पिलर, यानी आइस पिलर के बारे में स्वामी जी ने क्या डिस्क्राइब किया है, तो स्टार्टलिंग एंड इनवेरपिंग। व्हाट डिड द स्वामी फील द केव ऑफ अमरनाथ हैड रिवील्ड टू हिम, क्या रिवील्ड हुआ था, द सीक्रेट ऑफ कैलाश के बारे में वो जान पाए थे। उसके बाद देखिए, व्हाट टाइप ऑफ मील वेयर दे हैविंग व्हेन द स्वामी अनाउंस्ड द पिलग्रिमेज,
टू अमरनाथ, माने स्वामी जी किस तरह के मील अपने साथ ले गए थे जब वो अमरनाथ के यात्रा में जा रहे थे, तो ओपन एयर मील, ठीक है। व्हाट वॉज द स्वामीज रिलेशनशिप विद द पर्सन ही रिफर टू एज हिज डॉटर, यानी स्वामी जी का क्या रिश्ता था जिसको वो अपना डॉटर कहते थे, रिफ़र किए थे, तो वो थी शिवाजे डिसिपल, यानी वो उनकी शिष्य थी। व्हाट वॉज द रोल ऑफ द स्टेट ऑफिसर इन द पिलग्रीमेज, यानी तीर्थ यात्रा में स्टेट ऑफिसर का क्या रोल होता है, तो उनका होता है ही हेल्प्ड विथ द जर्नी प्रिपरेशंस, तो जर्नी के प्रिपरेशन में हेल्प करते हैं तीर्थ यात्रियों का। नेक्स्ट देख लीजिए, व्हाट एक्टिविटी वॉज कॉमन एमोंग द पिलग्रिम्स ड्यूरिंग देयर कैंप एट डिफरेंट लोकेशन, यानी जो पिलग्रिम्स थे यानी तीर्थयात्री थे, उनको कौन सी एक्टिविटी जो हर टेंट में समान दिख रही थी, तो वो था सीटिंग ऑफ टेंट्स एंड शॉप्स, माने वो टेंट में बैठते थे या शॉप में। हाउ डिड द स्वामी टेंट सर्व द कैंप, यानी स्वामी जी का टेंट किस तरीका से सर्व, माने किस तरह का टेंट था उनका, किस तरह से सेवा करता था, तो इट एक्टेड एज ए सोशल सेंटर, माने यह एक सोशल सेंटर जैसा था, कोई भी उनके कैंप में जाके बैठ सकता था। व्हाट वॉज द नोटेबल फीचर ऑफ द मॉन्क्स टेंट्स, और मॉन्क्स के जो मॉन्क लोगों का यानी साधु संतों का जो टेंट था उसमें क्या नोट करने वाली बात थी, तो दे वेयर गेरुआ कलर्ड एंड स्मॉल, मैंने वो गेरुआ रंग का होता था, ठीक है, उनके लिए कलर फिक्स उन्होंने रखा था गेरुआ रंग का और छोटा होता था। व्हाट डिड द स्वामी ओकेजनली इंसिस्ट ऑन डिस्कशन विद द मॉन्क्स, वो मॉन्क्स से किस तरह का क्या डिस्कशन कर रहे थे, द वर्ल्ड अराउंड देम। आगे व्हाट डिड द मॉन्क्स स्ट्रगल टू अंडरस्टैंड अबाउट द स्वामी, मैंने स्वामी जी के को समझ कर या स्वामी जी के उससे जानकर मॉन्क्स को क्या परेशानी थी, तो ही लव फॉर मोहम्मडनिज्म, मैंने वो मॉन्क्स जो थे समझे थे कि स्वामी जी को मोहम्मडनिज्म से मुस्लिम धर्म से क्या है, प्यार है, लगाव है। व्हाट हिस्टोरिकल आर्गुमेंट डिड द मॉन्क्स यूज टू परस्यूड द स्वामी, और वो किस तरह से हिस्टोरिकल आर्गुमेंट किए थे, तर्क वितर्क किए थे मॉन्क्स स्वामी जी से, तो द ब्लड शेड इन द पंजाब फॉर द फेल, हु वेयर द ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ द पिलग्रीमेज अकॉर्डिंग टू द स्वामी, तो जो स्वामी जी के अनुसार जो वहाँ पे ऑफिसर थे या सर्वेंट थे वो कौन थे, तो मैनी वेयर मुसलमान्स, उसमें से बहुत सारे मुसलमान भी थे। व्हाट वॉज सिग्निफिकेंट अबाउट द तहसीलदार आफ्टर द पिलग्रीमेज, माने तीर्थ यात्रा के दौरान तहसीलदार का क्या महत्व है, तो ही हैड हिज फ्रेंड्स सॉट एक्सेप्टेंस एज डिसिपल्स बाय द स्वामी, वो स्वामी जी का क्या कर लेता है, शिष्य बन जाता है, एक्सेप्ट कर लेता है वो और उसका फ्रेंड भी। वेयर वॉज द पिलग्रीमेज कैंप फॉर द नाइट आफ्टर लिविंग इस्लामाबाद, इस्लामाबाद छोड़ने के बाद फिर जो पिलग्रीमेज का टेंट कहाँ बना था, तो पवन में, तो व्हाट वॉज पवन फेमस फॉर, तो पवन क्यों फेमस है, तो इट्स होली स्प्रिंग्स, अपनी होली पवित्र स्प्रिंग्स के लिए। व्हाट वॉज द सीनरी लाइक एट पहलगम, तो पहलगम का जो दृश्य कैसा था, तो सिमिलर टू स्विट्जरलैंड और नॉर्वे, मैंने ये सिमिलर स्विट्जरलैंड और नॉर्वे से मिलता था। व्हाट नेचर फीचर्स कुड बी, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट नेचर फीचर्स कुड बी सीन एट सनसेट इन पहलगम, यानी पहलगम में सनसेट के बाद किस तरह का दृश्य दिखाई देता है, तो ए फुल मून। ओके, व्हाट मार्क्ड द लास्ट ऑफ ह्यूमन ड्वेलिंग्स ऑन द पिलग्रीमेज, तो ए ब्रिज एंड फार्म हाउस। हाउ मैनी पिलग्रिम्स वेयर पार्ट ऑफ द
ग्रुप द डेट असेंडिंग द वैलीज, यानी कितने ग्रुप थे लगभग जो वैली पे चढ़ रहे थे, तो 3000 लगभग 3000. हुएर डिड द पिलग्रिम्स पिच देयर टेंट्स आफ्टर पासिंग द स्नो लाइन, कहाँ पे अपना डाले थे अपने टेंट को, तो बिसाइड ए फ्रोजन रिवर. व्हाट फ्यूल वाज यूज्ड फॉर द ग्रेट कैंप फायर इन द पाइन वुड, तो जुपिटर. नेक्स्ट, व्हाट चैलेंज डिड द सर्वेंट्स फेस एट ग्रेटर हाईएस्ट, तो फाइंडिंग फ्यूल फॉर द फायर. व्हाट वाज द स्टेट ऑफ द रेगुलर पथवे एज द पिलग्रिम्स नियर्ड द केव ऑफ अमरनाथ, तो इट कैन बी एन इंड. हाउ वाज द ग्रेट आइस लिंगम डिस्क्राइब्ड, तो एज द वेटिंग प्रेजेंस ऑफ गॉड. व्हाट डिड द स्वामी डू अपन इंटरिंग द केव ऑफ अमरनाथ, यानी अमरनाथ के गुफा में ढूक कर स्वामी जी ने क्या किया था, तो ही नेल्ट एंड प्रोस्ट्रैक्टेड, यानी पूरी वो दंडवत नमस्कार किए थे पूरी तरह से सोकर. व्हाट वाज द स्वामीज इमोशनल स्टेट आफ्टर सीइंग द आइस लिंगम, माने आइस लिंगम को देखकर, आइस के शिवलिंग को देखकर स्वामी जी क्यों इमोशन हो गए थे, क्या हुआ था उनके साथ, तो साइलेंट एंड रिफ्लेक्टिव, पूरी तरह से साइलेंट हो गए थे और उनका कोई रिफ्लेक्ट भी नहीं था, कोई उनका जवाब भी नहीं आ रहा था, किसी भी तरह का कोई मूवमेंट नहीं कर रहे थे, कहने का मतलब है. व्हाट डिड द स्वामी कंपेयर द डिस्कवरी ऑफ द केव ऑफ अमरनाथ टू, और वो स्वामी जी किस तरह से कंपेयर करते हैं अमरनाथ की गुफा को, तो देख लीजिए, ए शेफर्ड्स एक्सीडेंटल डिस्कवरी. ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही. अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपको सेमेस्टर 2 में भी काफ़ी हेल्प मिलेगा. चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद.